झारखंड में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ और नई सरकार हेमंत सोरेन ने बनाई। झामुमो के 18, कांग्रेस के 13, आरजेडी के 5 और 6 निर्दलीय विधायकों की मदद से गठबंधन सरकार बनी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि नीतीश कुमार जवाब दें झारखंड के गठबंधन पर। कांग्रेस और आरजेडी के संबंध तो रहे ही हैं, अब तो बिहार में भी सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जिस आरजेडी के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है झारखंड के अंदर, तो बिहार में वही कांग्रेस इनको समर्थन दे रही है, तो यह प्रत्यक्ष गठबंधन नहीं होगी आरजेडी से उनका, इसके बारे में उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर जेडीयू को गुस्सा आ गया और जेडीयू ने कहा कि बीजेपी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। झारखंड की सरकार जो बनी है जोर तोड़ की राजनीति वाली सरकार है, चंद दिनों की सरकार है, क्योंकि जिस दिन से सरकार आज बनी है और आज ही से उठा पटक चालू हो गया, निर्दलीय अपनी डिमांड खड़ा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि लंबा चलेगा और झारखंड के हित में ये चुनाव ये सरकार नहीं होगी, क्योंकि झारखंड चाह कर करके भी जिस तरह के लोगों का जमवारा है वो लोग व्यक्तिगत हित ज़्यादा महत्व देंगे और राजहित को महत्व कम देंगे, इसलिए सबसे बढ़िया था चुनाव और चुनाव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बीजेपी और जेडीयू दोनों की राय है कि झारखंड में चुनाव होने चाहिए थे, इसको भी निशाने पर लिया आरजेडी ने। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें चुनी हुई सरकार बेहतर होती है, इसलिए कि उनका डायरेक्ट संबंध जो है पीपुल से होता है, इस वजह से हम लोग राष्ट्रपति शासन के पक्षधर नहीं हैं। राष्ट्र और किसी कारणवश अगर सरकार नहीं बन पाती है तब फिर चुनी हुई सरकार की प्रक्रिया में उनके लिए जो है लोगों को जाना चाहिए चुनाव में। कांग्रेस ने भी उन पार्टियों की खिंचाई की है जो झारखंड में चुनाव के पक्ष में थे। जब तक सरकार में थे उसी पार्टी के साथ जेएमएम के साथ तब सरकार चलना चाहिए था, अब सरकार से आप बाहर हो गए तो अब चुनाव चाहते हैं, तो चुनाव का 5 साल का मैंडेट मिला है दिया है, लेट देम गो फॉर द गवर्नमेंट, अगर खराब करेंगे तो आने वाले 2.5 वर्ष के बाद जब चुनाव होगा तो इनको रिजेक्ट करेगा कांग्रेस को और जेएमएम को, इसमें बीजेपी को हड़ बनाने की क्या आवश्यकता है। झारखंड में राजनीति का बड़ा इतिहास गठबंधन टूट और घोटाले के इर्द गिर्द घूमता रहा है। निर्दलीय तो हर बार अपना सिक्का चलाने में सफल हो जा रहे हैं। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस बिहार में सरकार के साथ है और झारखंड में भी। बिहार में लालू और नीतीश दोनों की नजदीकी कांग्रेस से है। आने वाले समय में कांग्रेस दोनों में से किसे चुनती है ये बड़ी घटना होगी। पटना से आर्य न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधुमणि के साथ प्रणय प्रियमवत की रिपोर्ट।